नमस्कार, अनामिका के किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ फ्रेंच फ्राई। तो ये देखिए पोटैटो फ्रेंच फ्राई ये है। तो आइए बनाना स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए मैंने 4 सफ़ेद आलू ले लिया है, यानी पोटैटो ले लिया है। अब मैं इसका छिलका उतार दूँगी। तो ये फ्रेंच फ्राई के लिए ये आलू सबसे बेस्ट होता है। तो जब भी आप बनाएं तो सफ़ेद आलू से ही बनाएं। इसका चिप्स और ये फिंगर चिप्स जो होता है बहुत ही टेस्टी इससे बनता है। तो आप हमेशा इसी का यूज करें, इसी आलू का। तो मैं सारे आलू के छिलके को उतार के और पानी में डालती जाऊंगी। तो इससे पानी में डालने से आलू काले नहीं पड़ते हैं। तो आलू को छिलके पानी में ऐसे डालते जाएं आप। तो ये देखें सारे छिलके को ऐसे उतार लें। तो इसके लिए आप बड़ा बड़ा आलू ही लें। तो जैसे मैंने लिया है बड़ा बड़ा, देख सकते हैं आलू के साइज़ को। अब इसको मैं मल के अच्छे से वाश कर लूँगी। तो अच्छे से इसको धुलना, तो इसको अच्छे से एकदम इसका स्टार्च निकल जाना चाहिए। तो इसको अच्छे से एकदम मल मल के धुलना। ये देखिए, देख सकते हैं आलू मैंने धुल के लिया था, लेकिन फिर भी देखिए कितना गंदा पानी हो गया है। अब मैं इसे काट लूँगी। तो ये देखिए कटर है, तो मैं आलू को ऐसे सीधा रखूँगी और ऊपर से इसको दबा दूंगी। तो इससे बहुत ही अच्छा शेप निकलता है फिंगर चिप्स का। तो एकदम बढ़िया से एक बराबर इसके जो होते हैं साइज़, देखिए कितना बढ़िया कटा है। तो इसी तरह मैं सारे आलू को काट लेती हूँ। अगर आपके पास ये कटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चाकू की सहायता से भी काट सकते हैं। चाकू से भी अच्छा कटता है। मैं अभी एक आलू का आपको काट के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ऐसे आप इसको स्लाइस पहले कट कर लें। तो स्लाइस की तरह ऐसे काट लें इसको। अब इसे पतला पतला साइड से, बहुत पतला नहीं काटना है। तो इस तरह के साइज़, देखिए थोड़ा मोटा हो गया है, तो इस तरह से आप काट सकते हैं। तो चाकू की सहायता से भी आप ऐसे काट लें। देखिए इससे भी कितना बढ़िया कटा है। तो ऐसे ही काट के आप इसे पानी में डाल दें। ये देखिए मैं बता रही हूँ, आप इसे पकड़ के काट सकते हैं या किसी बर्तन वगैरह पे रख के भी काट सकते हैं। तो आप ऐसे देखिए काट लें। अब इसे मल मल के अच्छे से धुल लें ताकि जो इसका स्टार्च है वो निकल जाए। तो ये देखिए पानी कितना गंदा लग रहा है ना, ये देखिए सारे इसके स्टार्च हैं, ये पानी में निकल जाएंगे। तो हमें 2-3 पानी ऐसे इसको धुल लेना है। तो अब देखिए साफ पानी में मैं इसे छान लेती हूँ। तो मैं एक बार इसे और धुल लेती हूँ। देखिए पानी कितना गंदा हो गया है। तो ये देखिए अब ऐसे ही इसको धुल लें। आप जब भी बनाएं तो ये तरीका ज़रूर अपनाएं, इसे धुल लें अच्छे से। तो ये देखिए हम दोबारा भी इसे अच्छे से मल के धुल लेते हैं। तो ऐसे मल मल के इसको धुल लेते हैं। ये पानी थोड़ा साफ़ है, उतना गंदा नहीं हुआ है। तो अब मैं छान लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने छान लिया है। तो अब मैं इसे सूती कपड़े पे फैला के और इसके पानी को सुखाऊंगी। तो मैं फ़ैन के नीचे ये देखिए मैंने रख दिया है, दूर दूरी से फैला देना है और ऐसे कपड़े की सहायता से इसके पानी को सुखा देना है। तो ऐसे कुछ देर फैन के नीचे रहने दें, फैला दें पानी को सूखने के बाद। तो इसको दूर दूर ऐसे फैला दें। तो ये देखिए अब ये सूख गया है, मैंने फ़ैन के नीचे रखा था, अब सूख गया है। अब मैं बर्तन में इसे निकाल लेती हूँ। तो देखिए बर्तन में निकाल लिया मैंने। अब मैं इसमें 1 से 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालती हूँ। तो अब इसे अच्छे से कोटेड कर देती हूँ। तो अच्छे से मिला लेती हूँ मैं। तो स्पून की मदद से देखिए मैं अच्छे से इसको इसमें मिला लेती हूँ। तो ये तरीका है फटाफट बनाने का, यानी जब भी आपका तुरंत मन करे कि मुझे खाना है तो इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये देखिए गोड हो गया है। कढ़ाई मैंने गैस पर पहले से रख दिया था, तो तेल मेरा गर्म हो चुका है। तो अब मैं तो एक तरीका मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो तेल मीडियम आँच पर ही गर्म करें। तो ये देखिए गैस की फ्लेम मीडियम है, तो गैस की आंच मैंने मीडियम रखा है। अब तुरंत मैं ऐसे एक एक करके डालती जाऊंगी। तो ये देखिए अब मैं एक एक करके डाल के इसको बस, देखिए बहुत ज़्यादा नहीं डालना है इसमें, तो ये चिपकने लगेंगे। तो अब मैं चला लेती हूँ इसे।
देख सकते हैं आप। तो ये मैं केवल सिंगल फ्राई करूँगी इसको, तो इसको आप सिंगल फ्राई कर ला और खा ला मसाले वगैरह मिला के। तो ये देखिए, तो मैं दो तरह से बताऊँगी इसमें। तो ये तो पहला स्टेप हो गया जिसमें आप इसको तलना, तो मीडियम आंच पे ही तला, गैस को बहुत हाई पे नहीं रखना है। तो ये देखिए कलर इसका कितना प्यारा आया है, देख सकते हैं आप। तो ये देखिए एकदम क्रंची हो गया है, ये देखने से ही पता चल जा रहा है, देखिए कितना क्रंची हो गया है ये। तो बस आप इसे निकाल लें और इसमें मसाला वगैरह मिला के आप इस तरह से भी इसे बना सकते हैं। और दूसरा तरीका है तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो इसे पहले मैं निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए इसे मैंने निकाल लिया, अब मैं डालती हूँ। तो ये देखिए, तो दूसरा बैच में डालती हूँ इसमें, इसे भी चला लेती हूँ अच्छे से। तो 4-5 मिनट मैं इसे हाफ़ फ्राई करूँगी, अब मुझे निकाल लेना है इसे। तो ये देखिए हाफ़ फ्राई करके आप इसे निकालना, क्योंकि मुझे फिर इसे दोबारा फ्राई करना है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल चिपके नहीं हैं, अलग अलग हैं, सारे फिंगर जो चिप्स हैं अलग अलग हैं, बिल्कुल एक दूसरे से चिपक नहीं रहा है। और देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है। तो इसी तरह दूसरा बैच भी मैं इसे भी तल लेती हूँ। तो 4 से 5 मिनट तला, तो इसे मैं साइड में, तो इसे मैं रख देती हूँ साइड में। ये देखिए निकाल लेती हूँ मैं। अब जो मैंने पहला बैच तला था तो उसे मैं डबल फ्राई कर लेती हूँ। तो इसे साइड में रख के पहला वाला बैच मैं फिर डालती हूँ। तो इससे क्या है कि बहुत क्रंची हो जाता है। तो आप एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि देखिए बिल्कुल भी मेरे ये फिंगर चिप्स हैं एक दूसरे से चिपके नहीं हैं। तो आप जब भी बना रहे हैं तो ज़रूर इस तरीके से बनाएं, बहुत बढ़िया बनेगा। तो ये देखिए इसे मैं अब थोड़ा सा ज़्यादा सेक लूँगी ताकि अच्छे से कलर इसका आ जाए और अच्छे से ये क्रंची हो जाए। तो आप कलर देख सकते हैं इसका कितना बढ़िया हो रहा है। तो बिल्कुल ही अच्छे से पक गए हैं, कलर भी इसका प्यारा सा आ गया है। तो ये देखिए इसे मैं चला लेती हूँ अच्छे से। तो ये अच्छे से हो गया, मैं बर्तन में इसे निकाल लेती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना देखने में, कितना बढ़िया लग रहा है। ये देखिए अब मैं, अरे ऐसे ही मैं इसे निकालने के बाद दूसरे बैच को भी ऐसे ही तल लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने केवल 4 पोटैटो से इतने सारे फिंगर चिप्स बना लिए हैं। तो जब भी आपका मन हो आप बनाइए और आराम से इसे खाइए, एंजॉय करिए। तो ये देखिए, तब मैं दूसरा बैच भी इसमें डाल देती हूँ। तो इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर किया करें। तो ये देखिए दूसरा बैच मेरा तल के तैयार है, कलर कितना प्यारा आया है ना देखिए। तो अब मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। तो जब भी आपका मन करे फटाफट से आप बनाइए और इन्जॉय करिए। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं झटपट से। तो ये देखिए कितने सारे बने हैं, मैंने 4 पोटैटो में कितने सारे बना लिए हैं। तो देखिए अब मैं इसमें मसाले ऐड कर लेती हूँ। तो ये है लाल मिर्ची, तो लाल मिर्ची आप अपने हिसाब से तीखा रखें। ये है काला नमक, ये मैंने डाला थोड़ा सा सफ़ेद नमक। तो ये मैं डाल रही हूँ जलजीरा पाउडर, तो आप इसकी जगह अमचूर पाउडर डाल सकते हैं या जलजीरा ही डाल सकते हैं। जलजीरा मैं इसलिए डाल रही हूँ, इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को भी। तो ये देखिए अब आप ऐसे इसे मिला ला, ये देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार है। तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और इन्जॉय करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।